बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान फॉरवर्ड चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे JF-17 के कुछ अपडेट्स के हवाले से। JF-17 एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे पाक फिजाइया ने चाइना के साथ मिलकर मल्टी रोल मिशंस के लिए बनाया है और आने वाले वक्तों में JF-17 थंडर को किसी भी सिचुएशन में मुल्क के दिफा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। JF-17 थंडर इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्रंट लाइन में अपनी जगह बना चुका है। इस एयरक्राफ्ट को एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस, फिजा से समंदर के साथ साथ एयर टू एयर मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम थंडर के वेपन्स और कई और चीजों पर बात करेंगे। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। JF-17 के एयर टू ग्राउंड सलाहियत और इसके वेपन्स पर बात करें तो एयर टू ग्राउंड अटैक में JF-17 को वैरायटी ऑफ वेपन से लोड किया जा सकता है। JF-17 के बॉम्ब्स की बात करें तो इसमें अनगाइडेड और गाइडेड दोनों बॉम्ब्स शामिल है। इन बॉम्ब्स का वजन 100 केजी से लेकर 900 केजी तक हो सकता है। JF-17 थंडर पे अमेरिकी गाइडेड बॉम्ब्स के साथ चाइनीज लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनगाइडेड बॉम्ब्स की बात करें तो JF-17 थंडर पर MK-82, MK-83, MK-84 एंटी रनवे बॉम्ब्स में HAFR-1, HAFR-2, RPB-1 शामिल है। गाइडेड बॉम्ब्स की बात करें तो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स में GBU-10, GBU-12, GBU-16 और LT-2 शामिल है। प्रीशियस गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स में H-2SOW, H-4SOW और HB-6 प्रीशियस गाइडेड स्टेल्थ ग्लाइड बॉम्ब शामिल है। अब बात करते हैं एयर टू एयर मिसाइल्स की। एयर टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में PL-5E-2, PL-9C और PL-10E शामिल है, जबकि बियॉन्ड विजुअल रेंज में आर डार्टर, PL-12 और PL-15 जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक है, इसमें शामिल है। एयर टू सरफेस मिसाइल्स में LD-10, CM-102, MAR-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स शामिल है। क्रूज मिसाइल्स में RAD-1 और RAD-2 शामिल है, जबकि लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल में CM-400 AKG शामिल है। अब बात करते हैं एंटी शिप मिसाइल्स की। एंटी शिप मिसाइल्स में C-601, C-705KD, CM-802AKG शामिल है। ये तो थी अब तक की अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।